पुलिस और श्रमिकों के बीच हुए बातचीत के बाद आज शाम लगभग 5 बजे सड़क जाम को मोरा घाट स्थित हल्दीबाड़ी के चाय श्रमिकों द्वारा सड़क अवरोध को उठा लिया गया है। इस दौरान यहां काफ़ी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा, दोनों तरफ लंबी लाइनें लग गई थी जो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। ये ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सजगता के साथ दोनों तरफ के गाड़ियों को निकालने में लगे हुए हैं। वहीं हल्दीबाड़ी चाय बागान के कई श्रमिकों ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सर्द मौसम होने के कारण पुलिस के आग्रह के बाद हम लोगों ने ये सड़क जाम को उठा लिया है। आज रात में हल्दीबाड़ी चाय बागान में इस संबंध में सभी श्रमिक संगठन मिलकर फैसला करेंगे। हो सकता है कि कल भी हम लोग सड़क अवरोध करें। देखते रहिए NEI द्वास न्यूज, YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रबंधक को गिरफ्तार किए जाने के बाद दिन भर क्या हुआ यह आगे देखते रहिए। यहाँ देख रहे हैं कि श्रमिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरोध करते हुए जाम कर दिया है। टायर जलाया गया है यहाँ पर। कुछ दिनों पहले एक हाथी की बिजली के झटका लगने से मौत हो गई थी, उसी केस में वन विभाग द्वारा सहायक प्रबंधक की गिरफ्तारी की गई है, जिसके विरोध में यहां पर हल्दीबाड़ी चाय बागान के श्रमिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 मोरा घाट चौपत्ती के को चारों तरफ से अवरोध कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हल्दीबाड़ी चाय बागान के प्रबंधक को जल्द से जल्द छोड़ा जा सके। इस बीच हम देख सकते हैं यहाँ पर बानरहाट थाना की ओर से चाय श्रमिकों के खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि बानरहाट थाना की ओर से मुढ़ी है, ये मुढ़ी की व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिकों को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और कोई भूखा जो यहाँ गाड़ी खड़े हैं, यहाँ बतासा है और पानी की व्यवस्था की गई है, मिनरल वाटर और आप लोगों को सुबह से ये थाने वाले ही अभी दिए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो ये बोल नहीं पा रही हैं, इन लोगों को अभी बहुत ही राहत मिला है। और जो बाहर से जो गाड़ी लेकर कोई असम जाने वाला है, कोई सिलीगुड़ी जाने वाला है, कोई बिहार जाने वाला है, ऐसे लोग गाड़ी वाले को जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, जो उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ये सुबह 10 बजे से ये सड़क अवरोध किया गया था, जिससे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को पानी की कमी ना हो और खाने पीने की कुछ सुविधा व्यवस्था किया जाए, इससे लेकर यहाँ पर मुढ़ी और बतासा और जल की व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से। सहायक प्रबंधक उदय नेवार को अरेस्ट किए जाने पर वन विभाग द्वारा गिरफ्तारी के बाद यहाँ हल्दीबाड़ी चाय बागान के हजारों श्रमिक परिवार रोड को आके अवरोध किए हैं, सड़क जाम किए हैं। इस संबंध में स्थानीय अलीपुर द्वार क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला ने पत्रकारों से इससे गलत बताते हुए उन्होंने क्या कहा। इस प्रकार से ये जो मजदूर आज मजबूरी में उतरना पड़ा, क्योंकि एक निर्दोष लोग को असिस्टेंट मैनेजर हल्दीबाड़ी को अरेस्ट करके ले गया बिना इंक्वायरी। थाना को भी इंक्वायरी करना था, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इंक्वायरी करना चाहिए था। आज बिना इंक्वायरी करे वो सीधा साधा, अगर ये तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मारा गया हाथी, तो यहाँ पर इंक्वायरी होना चाहिए कि यह क्या हुआ था। आज बिना इंक्वायरी के बाद हमारा सीधा साधा एक असिस्टेंट मैनेजर को अरेस्ट करके ले गया है। इसी के विरोध में हमारा यहाँ हल्दीबाड़ी का मजदूर उतरा है, क्योंकि अगर सच में अगर गोली करके मारा हुआ होता तो हम मानते चले अरेस्ट हो जाता, लेकिन आज ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मारा गया है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई राजनीतिक खेल हो रहा है कि कुछ ही दिन पहले मालिक को सीमा चौधरी ने फोन किया था, फोन करने के बाद में मालिक फोन नहीं उठाया और ये ईगो फील किया, वो अपना पावर को जो पावर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दायित्व में है, वो अपना पावर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा से यूटिलाइज किया है और सीधा साधा लोग को अरेस्ट करके लिया। और मजदूर का यही डिमांड है कि
वो निर्दोष आदमी को अगर सच में अगर होता तो मैनेजर को अरेस्ट करता, मालिक को अरेस्ट करता, असिस्टेंट कर्मचारी को क्यों अरेस्ट करेगा। इनका कहना, मजदूर का कहना है और मेरा भी कहना है कि साधारण मजदूर को, निर्दोष लोग को क्यों अरेस्ट किया गया है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो काम है क्या वो सही नहीं होने के कारण से, तो आज अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर सही काम होता तो आज हमारा रास्ता में रोड में नहीं उतरता। आज घर द्वार तोड़ दे रहा है, एक एक दिन में 10 15 20 घर तोड़ दे रहा है, लेकिन कॉम्पेंसेशन जन मांगने जाता है तो वो सालों साल बीत जाता है लेकिन अभी तक वो घर द्वार नहीं बनता है। अरे ये साधारण मजदूर बहुत मुश्किल में कमा खा के नहीं खा के घर द्वार बनाता है, हाथी उजाड़ देता है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है उस घर द्वार को बना देने के लिए, ये कॉम्पेंसेशन में नहीं मिलता है और जो हाथी मार देता है उसके बाद कॉम्पेंसेशन के लेके सालों साल उनका पीछे ये पैसा के लिए दौड़ना पड़ता है, चप्पल घिस जाता है लेकिन वो पैसा हमको घर तक नहीं मिलता है, उसमें भी एजेंसी घुस जाता है। ये साला टीएमसी का कैडर है, आज का दिन में ये टीएमसी का नेता सब और पुलिस प्रशासन मिल के ये हमारा साधारण सीधा साधा लोग असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर ये जो हनस्ता किया है, आने वाला दिन इसका जवाब देगा, मेरा यही कहना है। बिना गुड़ी से एनीआई द्वास न्यूज के लिए रमन कुमार झा, मोराघाट चौपत्ती।